नमस्कार। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। झटपट झटपट घरेलू डिश में आप लोग का स्वागत है फ्रेंड। आज हम एक बिल्कुल नया डिश बना रहे हैं फ्रेंड, बिल्कुल जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। ये मशरूम है फ्रेंड, एक पैकेट देखिए, ये धो के हमने रखे हैं फ्रेंड। इसको हम ऐसे काटेंगे, काट के 2 मिनट इसको बॉयल करेंगे नमक डाल के फ्रेंड। ये देखिए एकदम नॉन वेज की तरह फ्रेंड, नॉन वेज जो नॉन वेज नहीं खाते हैं उनके लिए ये स्पेशल ट्रिक से बनाया हुआ टिक्का फ्रेंड, मशरूम का, और बहुत हेल्दी और बहुत पौष्टिक भी फ्रेंड। तो देखिए सारे को देखिए इस तरह आप काट लीजिए, और इसमें देखिए दो दो टुकड़े में काट लेंगे, और नमक डालेंगे फ्रेंड 1 पिंच, और इसको बॉयल होने के लिए गैस पे चढ़ा देंगे। तब तक हम इसका टिक्का तैयार कर लेते हैं फ्रेंड। देखिए ये हमने 4 मीडियम साइज आलू लिए हैं फ्रेंड, ये देखिए सबको इस तरह अच्छे से मैश करेंगे फ्रेंड एकदम। ये छोटे बच्चों के लिए तो खास है फ्रेंड, जो नॉन वेज नहीं खाते। मशरूम में फ्रेंड बहुत मात्रा में प्रोटीन होता है इसलिए, और आलू में कार्बोहाइड्रेट हर चीज आपको मिलता है इजली फ्रेंड। तो देखिए, और मीडियम साइज 3 बारीक कटा हुआ प्याज, उसको अच्छे से मिक्स कीजिए फ्रेंड। ये देखिए 4-5 लहसुन का कली और मिर्च, अब तीखा अपने अनुसार कर सकते हैं फ्रेंड। अब इसको मिक्स कीजिए फ्रेंड, एकदम अच्छे से मिक्स कीजिए, लम्स गुठली बिल्कुल नहीं होना चाहिए फ्रेंड। ये देखिए अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा मिठास लाने के लिए गाजर। एक गाजर को कद्दूकस करके इसके पानी बिल्कुल अच्छी तरह निचोड़ लेंगे फ्रेंड, एकदम अच्छे से निचोड़ लेंगे। और ये थोड़ा सा चाट मसाला 1/2 चम्मच के करीब डाल लीजिएगा, और ये कस्तूरी लाल मिर्च फ्रेंड। और देखिए इसमें हम डालेंगे अरारोट के आटा 2 बड़ा चम्मच डाल लीजिए, 2 से 2.5। अब इसको मिक्स कीजिए फ्रेंड अच्छे से, सारे को एकदम से अच्छे से मिक्स करना है फ्रेंड। मशरूम को ज्यादा नहीं बॉयल करना है फ्रेंड, हल्का बस गरम पानी में, गुनगुना पानी में उसको बस धोना है फ्रेंड। ये देखिए अच्छे से एकदम हम अब इसको, ये देखिए अब ये हमारा थोड़ा सा बचा हुआ था 2 चम्मच के बाद, इसको भी हम डाल लेंगे, पूरा 3 चम्मच डाल लेंगे फ्रेंड। अब इसमें नमक डालेंगे फ्रेंड, स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिए। सारे को इस तरह काट लेंगे फ्रेंड। ये देखिए एक पैकेट मशरूम में आपका कितना भेज टिक्का बन जाएगा फ्रेंड, ये कबाब से कम नहीं है फ्रेंड, और पौष्टिक भी बहुत है। बच्चे जब जो खेलने वाले हैं, जो ग्रोइंग एज में हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा चीज है फ्रेंड। 2 बना दीजिए और पूरे परिवार के खा लीजिए फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड अब इसको हम मसलते हुए, इसमें जो पानी है उसको निकाल लेंगे, और इसको मसलते हुए इसमें मिक्स करेंगे फ्रेंड। ये देखिए और ये देखिए सारे में बिल्कुल पता नहीं होना चाहिए फ्रेंड, इस तरह एकदम इस तरह मसल लेंगे कि
बच्चों को पता नहीं चलेगा कि इसमें आप क्या-क्या आइटम डाले हैं, और बच्चे बहुत खुश होकर खाएंगे और ग्रोइंग एज में बच्चों की लंबाई ऐसे ही बढ़ जाएगा फ्रेंड। एकदम इसको तोड़ते हुए एकदम मिक्स करना है, आलू में एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए फ्रेंड। ये देखिए, अब इसमें हम फ्रेंड, ये देखिए, अब इसमें हम 1 से 1.5 चम्मच चावल के आटा मिला लेंगे फ्रेंड। इसमें बताया ना फ्रेंड, हर चीज है, ये देखिए, ताकि थोड़ा कुरकुरापन भी आ जाए फ्रेंड। हाथ को अच्छी तरह से वॉश कीजिए और इसको आटे की तरह एकदम मसल के लगाइए फ्रेंड, और मसाला तेल बिल्कुल थोड़ा। ये देखिए, हमारा ये अब सन गया, अब हम इसका टिक्का बनाएंगे फ्रेंड। ये देखिए, हाथों पे चावल का आटा लगाइए और ये देखिए, नॉन वेज का मजा आप टिक्का में लीजिए फ्रेंड। इस तरह एकदम देखने में भी ये अच्छा लगे, इसी तरह आप सारे को करें फ्रेंड। ये देखिए, ये मशरूम कबाब टिक्का बहुत ही टेस्टी होगा फिर, अमेजिंग। ऐसे तो आपको झटपट झटपट घरेलू डिश में एकदम न्यू रेसिपी देखने को मिलेगा फ्रेंड, बहुत ही अच्छा। तो आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें फ्रेंड, और बिल्कुल नया रेसिपी आप देखें फ्रेंड, हर रेसिपी यूनिक ट्रिक से डाला हुआ है, सभी का लिंक आपको उसमें मिलेगा फ्रेंड। क्लिक करते आपको नया से नया रेसिपी देखने को मिलेगा फ्रेंड। बस दो बनाइए, और हमने बहुत सारे कोर्स करके फ्रेंड फिर ये चैनल शुरू किए फ्रेंड। इसका कलर, डिजाइन, बनावट, स्वाद सब परफेक्ट आएगा फ्रेंड। आप चाहे तो अपने अनुसार बड़ा छोटा भी कर सकते हैं फ्रेंड। इसी तरह सारे को बना लीजिए फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, पेन गर्म हो चुका है, अब इसमें आप तेल को डाल लीजिए। तेल गर्म होने दीजिए फ्रेंड, रिफाइंड सरसों जिसमें आपका मन करे आप उसमें बनाकर खाइए फ्रेंड। तेल बिल्कुल गर्म होने दीजिए। देखिए फ्रेंड, तेल बिल्कुल गर्म हो गया, अब आप एक एक इसमें रख दीजिए और फ्लेम मीडियम ही रखिएगा फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, अब इसको हम इस तरह पलट लेंगे, 5 से 10 मिनट के बाद फ्रेंड इसको पलटेंगे। देखिए फ्रेंड, 5-7 मिनट के बाद दोनों तरफ से इस तरह पलटते हुए आप सबको सेक लीजिएगा, ताकि एकदम कुरकुरापन, एकदम लजीज ये बनकर तैयार हो जाए फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, जो हो गया उसको हम अब निकालते जाएंगे। देखिए, इस तरह निकालेंगे और जो नहीं हुआ उसको साइड करके फिर से पकाएंगे। देखिए, आराम से इसको निकालिए, देखिए कितना अच्छा हमारा टिक्का
2 मिनट में बन गया फ्रेंड्स, मार्केट से भी ज्यादा अच्छा बन गया फ्रेंड्स। ये अब इसको इस तरह फैलाएंगे। और धीरे से पलटेंगे फ्रेंड, देखिए इस तरह जो बच गया उसको डाल लेंगे। इस टिक्के से आप छोला भी बनाकर खा सकती हैं फ्रेंड, बहुत ही स्वादिष्ट ये टिक्का है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, हमने हर 5-5 7-7 मिनट पे पलटते हुए इसको एकदम तैयार कर लिए फ्रेंड। ये देखिए, ये टिक्का बहुत टेस्टी और पौष्टिक है फ्रेंड। तो चलिए अब इसको सर्व करते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, ये रेसिपी बनकर तैयार हो गया फ्रेंड। देखिए एक पैकेट में कितने सारे बन गए फ्रेंड, पूरे परिवार आप अच्छे से खा सकते हैं फ्रेंड। देखिए बाजार में एक पीस का कितना दाम लगता है फ्रेंड। ये नॉन वेज की तरह आप मशरूम का टिक्का खाइए फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, ये रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए फ्रेंड। प्लीज प्लीज बेल आइकन प्रेस कीजिए और झटपट झटपट घरेलू डिश में अपना अनुभव जरूर लिखिए फ्रेंड। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जिन्होंने कर लिया है फ्रेंड उनको थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। और जो नहीं सब्सक्राइब किए फ्रेंड, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यूनिक से यूनिक ट्रिक वाला आप ये चैनल पे रेसिपी देखिए फ्रेंड। न्यू न्यू बिल्कुल लिंक डाला हुआ है फ्रेंड। फिर मिलते हैं अगले रेसिपी में, तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड, नमस्कार।